लॉकडाउन में नई टेंशन, घर कैसे लाएं सब्जी राशन। शहर शहर बढ़ती दहशत, सब्जी से कितने संक्रमित अब तक। क्या कोरोना कैरियर बने कुछ सब्जी वाले, धनिया मिर्च के साथ वायरस मुक्त। सब्जी वालों से कोरोना की घुसपैठ, घर के किचन में पहुंचा कोरोना वायरस। बिना सावधानी सब्जी लाओगे, बीमार हो जाओगे, बहुत पछताओगे। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कोरोना वायरस से बचने के लिए ज्यादातर लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, सिर्फ जरूरी सामान लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं जरूरी सामानों से कोरोना का संक्रमण होने लगे तो क्या होगा? पिछले कुछ दिनों से लोगों में सब्जी वालों को लेकर बहुत दहशत है। कुछ शहरों में सब्जी वाले कोरोना कैरियर साबित हुए हैं। सब्जी वाले के जरिए कई लोग संक्रमित हुए। मेहरौली दिल्ली, अहमदाबाद गुजरात, कानपुर यूपी, आगरा यूपी, देश के ये वो शहर हैं जहां कोरोना संक्रमित मरीजों में उन लोगों का नाम भी शामिल है जो सब्जियां बेचते हैं। कोरोना पॉजिटिव हुए सब्जी वाले ठीक वैसे ही हैं जैसे सब्जी वाले रेहड़ी लेकर आपके घर तक आते हैं, आपकी गलियों में घूमते हैं, आप बेफिक्र होकर उनसे सब्जियां खरीदते हैं। लेकिन सब्जी बेचने वालों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि के बाद अब हर आदमी के दिमाग में कुछ सवाल घूम रहे हैं। क्या वाकई सब्जी वालों से कई लोगों में कोरोना का संक्रमण हुआ? क्या कोरोना के इस दौर में सब्जी खाना भीगा? आखिर सब्जी खरीदने के वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कई ऐसे मरीज सामने आए जो गली गली घूम कर सब्जी बेच रहे थे। कोरोना संक्रमण होने के बाद भी वो सब्जी वाले लोगों के बीच जाते रहे, मंडियों में जाते रहे और कोरोना वायरस का संक्रमण बांटते रहे। अहमदाबाद में सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सब्जी वाला संक्रमण के बाद भी सब्जी बेच रहा था। अब सब्जी वाले के संपर्क में आए लोगों की भी तलाश की जा रही है। इस समय हमारी न्यूज टीम अहमदाबाद के मनीनगर इलाके में, बिल्कुल ये वही जगह है जहां पर बड़ी एक सब्जी मंडी लगा करती थी और यहां से ऐसा कहा जा रहा है कि उस सुपर स्प्रेडर के माध्यम से कोरोना वायरस जो है वो यहां पे भी फैला है। आप देख सकते हैं लॉकडाउन के दौरान यहां पर सब्जी मंडी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति पूरे अहमदाबाद में हुई है उसको लेके अहमदाबाद महानगर पालिका बहुत ज्यादा चिंतित है। अहमदाबाद में सब्जी को लेकर लोग सावधान हो चुके हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि अब सब्जी थैले में नहीं बल्कि पानी से भरी बाल्टी में खरीदें। डर तो सब जगह है, लेकिन उसके बाद जो प्रिवेंशन लेना है घर जाकर के उसको फॉलो करते हैं। घर जाने पर सैनिटाइज करना है, सब्जियों को सबसे पहले धुलना है और जो भी मेजर्स हैं सारे स्टेप्स लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग दहशत में हैं। दिल्ली के मेहरौली इलाके में सब्जी बेचने वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस दौरान वो कितने लोगों के संपर्क में आया ये पता लगाना बड़ी चुनौती है। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण को लेकर जंग जारी है, लेकिन इस बीच कई सारे ऐसे मामले भी आ रहे हैं जिसके बाद दिल्ली के लोग सकते में हैं। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के मेहरौली में एक सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद लगातार सब्जी विक्रेता जिन जिन लोगों के संपर्क में था उन्हें ढूंढ कर क्वारंटाइन करने की कोशिश जारी है। एक सब्जी वाला एक दिन में कई लोगों को सब्जी बेचता है। सब्जी वाले न तो खरीदने वाले याद रखते हैं और न ही सब्जी वाला ये ठीक से बता सकता है कि उससे पिछले दिनों किन लोगों ने खरीदारी की थी। आगरा और कानपुर से भी ऐसी ही खबरें आई हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सब्जी का कारोबार करने वाले लोग भी शामिल हैं। ऐसे सब्जी बेचने वालों से कितने घरों के किचन तक कोरोना पहुंचा कहना बहुत मुश्किल है। सब्जी विक्रेताओं में जिस तरीके से एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उससे आम लोगों में तो दहशत है ही। जो सब्जी बेचने वाले हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले से अब बहुत कम सब्जी लेने वालों की संख्या या जो लोग हैं वो ग्राहक कम आ रहे हैं। कुमती नगर का यह इलाका है, ये सब्जी वाले हैं
और अमूमन इस समय कुछ लोग यहाँ पर सब्जी लेने जरूर आते थे, हालांकि ये दोपहर का समय है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक तरीके से बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। अब लोग सब्जी वालों को लेकर खुद सावधान हैं। तमाम कॉलोनियों में सब्जी वाले फिक्स किए जा रहे हैं। बांस लगाने का सबसे पहला कारण ये था कि हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ है सब्जी वालों से बहुत ज्यादा परेशान थे। इस कॉलोनी में लगभग एक दिन में 50 सब्जी वाले आते हैं, जिस वजह से हम लोगों को जज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कौन सब्जी वाला सही है, कौन सब्जी वाला गलत है। अपने अपने तरीके से सावधानियां बरती जा रही हैं। तो हमने सारे सब्जी वाले को मना कर दिया है कि किसी को नहीं आना है, और जो भी सब्जी लेके घर में जाए उनको अच्छे तरीके से साफ करे, पानी से धोए, नमक वाले पानी से धोए, उसके बाद ही फल या सब्जी को यूज करे। लोग अब सब्जियों को घर में ले जाने से पहले उसे पानी से धो रहे हैं, सब्जी वालों से कैश लेने के बाद हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। ये सब्जी वालों ने पूरा कोरोना फैला रखा है, इससे तो हम बुरी तरीके से डरे हुए हैं। सब्जी खरीद कर घर ले जाने से पहले उसको अच्छी तरह धोकर फिर उसको घर में लेके जाते हैं। सब्जियां खाना छोड़ देना मुमकिन नहीं है, ऐसे में जरूरी है कि कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरती जाए और सब्जी खरीदते समय सोशल डिस्टेंसिंग, सब्जियों की सफाई का ध्यान रखा जाए। संदीप और अमित के साथ कविता शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको आगाह करना है। हम ये नहीं कह रहे कि हर सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव है, वो कैरियर हो सकता है और वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन आपको बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही सचेत रहना है। और हमने आपको दिखाया भी इस रिपोर्ट में कैसे सब्जी वालों से डर चुके लोग तमाम तरह की सावधानियां बरत रहे हैं। कुछ इलाकों में कुछ सब्जी वालों को फिक्स भी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सवाल है कि जिन सब्जी वालों को आपने फिक्स किया है क्या उनमें संक्रमण का खतरा नहीं है? आपकी गली का सब्जी वाला सब्जी खरीदने कहां जाता है? आपकी गली में मास्क लगाकर, ग्लव्स पहनकर सब्जी बेचने रोज सुबह ऐसी ही मंडियों में पहुंचता है। आप जरा इन मंडियों की हालत देख लीजिए। देश की तमाम सब्जी मंडियों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, न ही सब्जी बेचने वाले एहतियात बरत रहे हैं। सुबह के समय देश की सब्जी मंडियों में हर दिन ऐसी भीड़ होती है। यहाँ हर आदमी को जल्दी है, बेचने वाला जल्दी से जल्दी घर लौटना चाहता है, सब्जी खरीदने वाले जल्द से जल्द अपने इलाके में पहुंचकर सब्जी बेचना चाहता है। सभी जानते हैं कि जो आपकी गली तक पहले पहुंचेगा आप सब्जी उसी से खरीदेंगे। दिल्ली की तीन सब्जी मंडियों की हालत देखिए। जयपुर जैसे कोरोना हॉटस्पॉट वाली जगह में भी मंडी में बेहद भीड़ जमा होती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है, लेकिन लोग अभी भी पूरी तरह इसे समझ नहीं पा रहे हैं। हालात ये हैं कि जयपुर शहर में सब्जी मंडियों में लोग सब्जी खरीदने आ रहे हैं, वहीं जो सब्जी विक्रेता हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रही है। हालात ये हैं कि सब्जी मंडी में लोग दुकानदार पास पास बैठे हुए हैं, वहीं जो सब्जी खरीदने वाले हैं वो हुजूम के हुजूम यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरी तरह टूट रही है। सबसे बड़ा खतरा ऐसी ही सब्जी मंडियों को लेकर है। इस तरह के हालात में हमारे और आप तक सब्जी पहुंचाने वाले लोगों पर हर दिन संक्रमण का खतरा बना रहता है। अब इन्हीं लापरवाहियों की वजह से सब्जी वाले कोरोना कैरियर बन रहे हैं। मंडी से हमारी गली और किचन तक सब्जियों के साथ कोरोना वायरस पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं लॉकडाउन में लोग हेयर कट नहीं करवा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। लगातार दो दिनों में 20 संक्रमित कोरोना मरीज पाए गए हैं। एक ही गांव में 6 लोगों में सलून की दुकान से संक्रमण फैलने से हड़कंप मच गया। CMHO ने पुष्टि करते हुए बताया कि खरगोन में कुल 60 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। खरगोन के गांव बड़गांव में 6 लोगों में संक्रमण हेयर कटिंग की दुकान से फैला है। सैलून की दुकान पर एक संक्रमित व्यक्ति वहां पर आया था, जिसके बाद ये संक्रमण फैलता चला गया। बड़गांव का एक लड़का सेपी होटल में काम करता था, वो अपने बड़गांव में आया था,
तो ये 3 या 4 तारीख को आया था, 5 तारीख को ये एक नाई के पास बाल बनवाने के लिए गया था ये। अब उसी दिन और भी करीबन 10-12 लोग आए थे बाल बनवाने के लिए, तो वो वहीं से फैला है इन लोगों को भी।